आज हमारे पास कुंडली है ओम बिड़ला जी की। ओम बिड़ला जी का जन्म 23 नवंबर 1962 को कोटा राजस्थान में हुआ। ओम बिड़ला जी राजस्थान के एक राजनीतिज्ञ हैं, कृषिविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वे कोटा लोकसभा से निर्वाचित हुए 17वीं लोकसभा के लिए और 2008 में 13वीं राजस्थान विधानसभा हेतु कोटा दक्षिण से विधायक भी रह चुके हैं। आइए इनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से हम इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश सूर्य चतुर्थ स्थान यानी पब्लिक रिलेशन के हाउस में यानी राजनीति के घर में बैठा हुआ है। इसके क्या मायने? इसके मायने ये हैं कि ऐसा व्यक्ति जब राजनीति करता है, राजनीति के क्षेत्र में आता है, तो वो सेवा से जुड़ी हुई राजनीति होती है। मित्रों, हमने हर बार कहा राजनीति दो ग्रह देखते हैं, एक शनि एक बृहस्पति। जब शनि राजनीति देखते हैं तो राजनीति एक बहुत ही एक पब्लिक से जुड़कर बहुत सारे अन्य तरीकों से राजनीति होती है। जो बृहस्पति जब राजनीति करवाते हैं तो वो सेवा और व्यक्तित्व में विनम्रता और बहुत स्नेह और बहुत ही एक तरह से आध्यात्म की यात्रा की तरह से वो राजनीति होती है। हम इनकी कुंडली के अंदर वही योग देखते हैं जो बृहस्पति लग्न को जब देख रहा हो व्यक्ति के, और फिर वो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आता है तो व्यक्ति एक तरह से साधना कर रहा होता है। मित्रों, वो राजनीति को माध्यम बनाता है लोगों की सेवा का। और यहाँ इनके व्यक्तित्व में हम ये बार बार दृष्टिगोचर होता हुआ देखते हैं कि किस तरीके से इनके इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह के चलाए जो एक बिल्कुल निराश्रित या ऐसे लोग जिनको बहुत मदद और सहानुभूति की आवश्यकता है उनको सबको जैसा जैसा जिसको आवश्यकता थी वैसा वैसा उसके साथ इन्होंने उनको सहायता प्रदान करी, उनके जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे भोजन देना हो निराश्रित लोगों को या समय समय पर उनकी जिस भी तरह से मदद करनी हो, ये सारी चीज़ें सूर्य के केंद्र में होते ही हो जाती है। मित्रों, केंद्र सूर्य जब चतुर्थ स्थान में होते हैं तो व्यक्ति जन भावनाओं को समझने की उसकी दृष्टि ही अलग होती है। वो अन्य लोगों की तरह नहीं चीज़ों को देखता, उसकी अपनी एक दृष्टि होती है चीज़ों को देखने की, और वो लोगों से भिन्न होती है और उसके कार्य एक अलग ही पहचान दिलवाते हैं उसको। यहाँ बृहस्पति का लग्न पर सूर्य के घर पर बृहस्पति की दृष्टि आत्मिक रूप से उजास लाती है व्यक्ति के अंदर। उसकी आत्मा ऐसी एक तरह से, अगर ये राजनीति में मतलब जो ज्योतिष के शिक्षार्थी हैं उनके लिए हम ये बात कह सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में नहीं होता तो संत होता, मतलब उस तरह का एक इनकी कुंडली के अंदर हम भाव देखते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा का जो है बुध की राशि में होना, जितना अच्छा राजनीतिक प्रबंधन उतना ही अच्छा धन का प्रबंधन भी, यानी दोनों चीज़ों को बहुत बेहतर समझना और उतना ही बेहतर शब्दों का प्रबंधन। जब चंद्रमा बुध की राशि में हो तो व्यक्ति शब्दों के माध्यम, शब्दों पर अपनी पकड़, शब्दों के प्रयोग से चीज़ों को ठीक करने की जो क्षमता वो अद्भुत आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही शुक्र स्वराशि वो भी तीसरे स्थान में, यानी कि आपके लक्ष्य हमेशा ऊंचे, आप हमेशा उन लोगों के साथ आपको जुड़ने के मौके मिलते चले जाए जीवन में जो लोग अपने कार्यों से अपने जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होते चले जाए, मतलब आप जिनसे जुड़े वो महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंच गए, इसलिए आपको भी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने को मिल जाए। तो ये एक ऐसा शुक्र का जो तृतीय स्थान में होना है, ये आपके जीवन को स्वराशिष्ट शुक्र अगर कीर्ति स्थान में, कोई भी जब कीर्ति स्थान में जब कोई शुभ ग्रह होते हैं, कीर्ति स्थान का संबंध जब बड़े सितारों से होता है तो व्यक्ति का उसी क्रम में उसी तरह से आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाता है। तो यहाँ हम इस बात को रेखांकित होते हुए देखते हैं। एक और बात मित्रों, यहाँ पर शनि और मंगल का दृष्टि संबंध भी है, यानी कि अगर कोई चीज़ राजनीति से हैंडल होनी है तो उसको भी उसकी भी समझ इन्हें एक बहुत ऊंचे दर्जे की उपलब्ध है। यानी कि मन के अंदर कहीं ये तनाव दबाव या कोई ऐसी स्थिति नहीं आती जिसके कारण आपको ये लगे कि व्यक्ति कोई अपने आप को किसी भी सूरत के अंदर दबाव महसूस कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। स्वराशिष्ट शनि कभी भी व्यक्ति को दबाव में नहीं आने देते। मंगल से संबंध जब शनि का हो जाता है तो रास्ते निकालने की क्षमता व्यक्ति की अद्वितीय हो जाती है। वो उन चीज़ों में से
रास्ते निकाल सकते हैं, कोई भी अगर आपको कठिन परिस्थितियां आई तो उसको कैसे हैंडल करना है, उस समय कैसे बिल्कुल संयत रहते हुए चीजों को हैंडल करना है, कैसे अपने ऊपर नियंत्रण बनाते हुए चीजों को हैंडल करना है, ये हम आज के उनके कार्यों से देखते हैं। आज जो जिस जगह पर बैठे हुए हैं, जहां पर वो कार्य कर रहे हैं, आप देखते हैं कितने तनाव और कितनी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को कितने मुस्कुराते हुए वो हैंडल करते हैं। ये जो क्षमता है, ये शनि और मंगल के जो दृश्य संबंध है उनको प्रदान किए मित्रों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन कुंडलियों में भी जो राजनीति के अंदर जो राजनीति के शिक्षा आते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए भी उनकी कुंडलियों के अंदर अगर चतुर्थ स्थान कोई बहुत बड़े तौर पर नहीं हो तो भी आप ये कुंडली उदाहरण है उन लोगों के लिए, ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए भी, कि वो देखें और समझें कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी जो एक विनम्रता और अपनी केयर करने की शक्ति से भी राजनीति के अंदर इतने ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। ये जो नंबर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं, अपने मित्रों के सवाल या कोई ऐसी बात जो आप ज्योतिष से संबंध रखती हो और आप हमसे पूछना चाहते हो, आप हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रोग्राम के अंदर उनके आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।